आवेग बिना जीवन कल्पना से परे है, जहां न तो प्यार है, न ईर्ष्या, न हिंसा और न ही वह तीव्र भावावेश जो हमारी उत्थान या पतन का कारण बन सके। संवेग या आवेग जीवन का एक अभिन्न अंग है, जो स्वाभाविक रूप से हमारी मुखाकृति में झलकती है। हम सभी जानते हैं कि मुख मन का दर्पण है। अभिव्यक्ति से हमें मनुष्य के मन की भावनाएं एवं चारित्र का पता चल जाता है। मुखाकृतियों से अंतर्निहित संवेगों का पता चल जाता है। ये अपनी नेत्रीय गतिविधियों में परिवर्तन लाकर निर्वाक तरीके से संपर्क तय कर सकती हैं, जहां कई अभिव्यक्तियां स्वाभाविक हैं और कई मुख के मांसपेशियों को तरह तरह से हिलाकर गठन की जाती हैं। संवेगशील मुखाकृतियों को सार्वभौम भी माना गया है, फिर भी हम संवेगों को एक निर्धारित सिद्धांत में नहीं डाल सकते। कुछ व्यक्त चीजों के अस्तित्व का अभिप्राय अभिव्यक्त होता है। कई मनोवैज्ञानिक यह मानने से इनकार करते हैं कि मानव भावावेग की सहज उपस्थापनाओं का एक मूलभूत रूप है, जिसे वस्तुतः पृथक नहीं किया जा सकता है। फिर भी मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि मुखाकृतियां प्राथमिक रूप से अभिव्यक्तिशील हैं, जो मनुष्य के अंतर्निहित मनोभावों को प्रकट में लाती हैं। ये मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति के अभिप्राय को काफी उपयोगी मानते हैं। यह बात सच है कि कई मुखाकृतियां कुछ विशेष मानवीय आवेगों या संवेगों से जुड़ी हैं। गवेषणा से यह प्रमाणित हुआ है कि प्रत्येक संस्कृति में मानव ने इन्हें अपनी अभिव्यक्ति के रूपों को प्रायः एक ही तरीके से बांटा है। मानव लगभग एक ही तरह की मुखाकृति का व्यवहार एक निर्दिष्ट भावावेश को प्रकट करने के लिए करता है, यानी हम कह सकते हैं कि एक निर्दिष्ट आवेग का अभिव्यक्ति हर जगह समान होगा, चाहे वह दूसरे का नकल क्यों ना हो। मुखाकृतियों को विस्तृत रूप में 7 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, लेकिन इन 7 श्रेणियों के अलावा भी कई तरह की अभिव्यक्तियां भी मौजूद हैं, जिनका प्रयोग दार्शनिक, वैज्ञानिक, अभिनेता तथा अन्य लोग समय समय पर करते हैं। खुशी की अभिव्यक्ति सार्वभौमिक है और आसानी से पहचाना जा सकता है। इन अभिव्यक्तियों का प्रतिपादन खुशी, सुख, आनंद, संतोष एवं मैत्री के रूप में होता है। मुस्कान खुशी की एक अभिव्यक्ति है, जिसे हम अपने होठों की लकीरों को फैलाकर और गालों को उभार कर प्रकट करते हैं। जब हम असली खुशी को अभिव्यक्त करते हैं, तब हम अपनी आंखें लगभग मूंद लेते हैं और गालों को फुलाकर खिलखिला के हंसते हैं। यही परम आनंद का प्रतीक है। उदाहरण स्वरूप, कैमरे के सामने किसी मॉडल की हंसी में जहां भावावेग की कमी महसूस होती है, वहीं उसकी अभिव्यक्ति भी बड़ी कृत्रिम होती है।
शोक या दुख के अभिव्यक्ति को खुशी की अभिव्यक्ति के विपरीत माना जा सकता है, लेकिन सिर्फ इतना ही कह देना काफी नहीं है। शोक का अभिव्यक्ति दर्द, क्षति, वियोग और असहायता को व्यक्त करते हैं। दुनिया की ज्यादातर संस्कृतियों में पुरुष व स्त्री के शोक अभिव्यक्त करने के तरीकों को अलग माना गया है। पुरुष कठोरता का प्रतीक होता है, इसलिए किसी सार्वजनिक क्षेत्र पर दुख से टूट नहीं पड़ता। वहीं स्त्री कोमलता का प्रतीक होने के कारण अनायास दुख से रो पड़ती है। एक पीड़ित चेहरे का लक्षण किसी की संकीर्ण आंखें, भींगी पलकें, खींची गालें एवं सिकुड़ी भौंहें जो कपाल के बीचों बीच खींची होती हैं और फूले हुए मुंह से पता चलता है। उसके होंठ भी नीचे की तरफ झुके होते हैं। वर्तमान आधुनिक समाज व्यवस्था में क्रोध का अभिव्यक्ति तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि दैनिक कार्यों के दबाव एवं नैराश्य आज की जिंदगी में आम बात है और इनसे ही क्रोध जन्म लेता है। अगर आदमी की व्यक्तिगत सुरक्षा में वृद्धि हो तो प्रतिशोध की भावना में कमी अपने आप आने लगती है। क्रोध प्राथमिक तौर पर एक दूसरे के प्रति आक्रोश का परिचय देता है। इसकी अभिव्यक्ति का कारण हम दुश्मनी एवं अंतर्निहित आक्रमण में पाते हैं। आज के जमाने में भी कई संस्कृति में स्त्री को गुस्सा प्रकट करने का अधिकार नहीं है। इसी कारण क्रोध की अभिव्यक्ति में हम पुरुष व स्त्री में एक अनिवार्य फर्क पाते हैं। हालांकि अधिकतर मामलों में क्रोध हिंसा और नाश के संदर्भ में देखा जाता है, लेकिन इसके वियोग में क्या मनुष्य वैसा पराक्रमी कदम उठा पाता जिससे समाज को साम्यता से गठित किया जा सका है। क्रोध ही एक ऐसी प्रवृत्ति है जो शोषण एवं अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकता है। जिस समाज में व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होती है वहां भय का अभिव्यक्ति नहीं के बराबर होता है, क्योंकि वहां पर डर का प्रमुख कारण जो कि आपसी संघर्ष और अंतर्निहित खतरे हैं मौजूद नहीं होते। भय, उपस्थित खतरा, आसपास के आतंक, हिंसा या शारीरिक क्षति की आशंका से अभिव्यक्त होता है। इनके अलावा भी अन्य कई माध्यम के द्वारा समाज को भयभीत किया जा सकता है। मानवीय शरीर में घृणा की अभिव्यक्ति अनिवार्य रूप में दिखती है। यह ज्यादातर उन चीजों के प्रति प्रकट किया जाता है जो गंदा हो, जैसे सड़ा हुआ मांस या मछली, मल मूत्र, खाने पर मक्खी का बैठना या सड़ा हुआ खाना जिससे दुर्गंध निकल रही हो। घृणा के अभिव्यक्ति में आदमी का चेहरा बड़ा ही विकृत हो जाता है। वह अपनी नाक सिकुड़ लेता है, भौं को तनावग्रस्त बना देता है एवं होंठ के ऊपरी हिस्से को ऊपर की ओर खींचता है। हमारे चेहरे का भाव, जैसे होंठों को दबाना और भौं को टेढ़ा करना, क्रोध व्यक्त करना है, जबकि हमारे मुंह का सिकुड़ा होना और ऊपरी पलकों के तनाव घृणा की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। और जब हम अपने सर को दाएं और बाएं की दिशाओं में लगातार घुमाते हैं तो यह भाव प्रकट होता है कि हम कुछ टालना या अस्वीकार करना चाहते हैं। विस्मय का भाव बहुत ही फुर्तीला होता है, जिसे हम काफी मुश्किल से उस वक्त समझ पाते हैं। ये भावनाएं हम तभी व्यक्त करते हैं जब हम किसी चीज का पूर्वाभास नहीं कर पाते हैं। विस्मय का प्रकाश अचानक घटने वाले हालातों से सामने आता है जिनकी हमें उम्मीद नहीं होती। विस्मित होना अपने आप में एक अभिव्यक्ति है। यह स्वाभाविक रूप में किसी वस्तु के दर्शन से आदमी की आंखों में झलकता है, लेकिन सिर्फ इतना ही कह देने से इस अभिव्यक्ति का अंत नहीं होता। आश्चर्य प्रकट करने को आगे चलकर खुशी
या भय से जोड़ा गया है। उदाहरण स्वरूप, हम सबसे ज्यादा चकित तब होते हैं जब अचानक कोई व्यक्ति जिसके आने का कोई पैगाम नहीं मिला था सामने आ खड़ा होता है। यहां पर आश्चर्य होना खुशी में बदल जाता है यदि उस व्यक्ति के साथ मैत्री का संबंध हो, लेकिन अगर वह कोई अनजान व्यक्ति होता है तब डर का कारण भी बन जाता है। संवेग या आवेग पृथक विभागों से निर्मित एक जटिल प्रक्रिया है। उदाहरण स्वरूप, अपने करीबी रिश्तेदार की मृत्यु पर हम शोकाकुल हो जाते हैं तथा विसन्नता, नैराश्य और अपराध बोध महसूस करते हैं। इस दुनियादारी की भागदौड़ में मनुष्य के लिए ऐसे भावावेगों को समेट कर चलना तथा सामाजिक बने रहना आसान काम नहीं है, लेकिन हमें ऐसा करना पड़ता है। चेहरे के सूक्ष्म रचनाओं से वृहत मनोभाव एवं अभिव्यक्तियों का पता चल जाता है। मनुष्य के चेहरे का बहुरूपी भावों एवं मनोवृत्तियों को समझना एक प्रकार की कला है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन बातों का कोई ठोस आधार नहीं है, लेकिन आधुनिक समाज में भी इन भावावेगों का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये क्षति, खतरे, सुख, पीड़ा, लाभ एवं चुनौतियों की सच्चाई के प्रतीक। आवेग बिना जीवन कल्पना से परे है, जहां न तो प्यार है, न ईर्ष्या, न हिंसा और न ही वह तीव्र भावावेश जो हमारी उत्थान या पतन का कारण बन सके। संवेग या आवेग जीवन का एक अभिन्न अंग है जो स्वाभाविक रूप से हमारी मुखाकृति में झलकती है। हम सभी जानते हैं कि मुख मन का दर्पण है। अभिव्यक्त से हमें मनुष्य के मन की भावनाएं एवं चारित्र का पता चल जाता है। मुखाकृतियों से अंतर्निहित संवेगों का पता चल जाता है। ये अपनी नेत्रीय गतिविधियों में परिवर्तन लाकर निर्वाक तरीके से संपर्क तय कर सकती हैं, जहां कई अभिव्यक्तियां स्वाभाविक हैं और कई मुख के मांसपेशियों को तरह तरह से हिलाकर गठन की जाती हैं। संवेगशील मुखाकृतियों को सार्वभौम भी माना गया है, फिर भी हम संवेगों को एक निर्धारित सिद्धांत में नहीं डाल सकते। कुछ व्यक्त चीजों के अस्तित्व का अभिप्राय अभिव्यक्त होता है। कई मनोवैज्ञानिक यह मानने से इनकार करते हैं कि मानव भावावेग की सहज उपस्थापनाओं का एक मूलभूत रूप है, जिसे वस्तुतः पृथक नहीं किया जा सकता है। फिर भी मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि मुखाकृतियां प्राथमिक रूप से अभिव्यक्तिशील हैं, जो मनुष्य के अंतर्निहित मनोभावों को प्रकट में लाती हैं। ये मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति के अभिप्राय को काफी उपयोगी मानते हैं। यह बात सच है कि कई मुखाकृतियां कुछ विशेष मानवीय आवेगों या संवेगों से जुड़ी हैं। गवेषणा से यह प्रमाणित हुआ है कि प्रत्येक संस्कृति में मानव ने इन्हें अपनी अभिव्यक्ति के रूपों को प्रायः एक ही तरीके से बांटा है। मानव लगभग एक ही तरह की मुखाकृति का व्यवहार
एक निर्दिष्ट भावावेश को प्रकट करने के लिए करता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक निर्दिष्ट आवेग का अभिव्यक्ति हर जगह समान होगा, चाहे वह दूसरे का नकल क्यों ना हो। मुखाकृतियों को विस्तृत रूप में 7 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, लेकिन इन 7 श्रेणियों के अलावा भी कई तरह की अभिव्यक्तियां भी मौजूद हैं, जिनका प्रयोग दार्शनिक, वैज्ञानिक, अभिनेता तथा अन्य लोग समय समय पर करते हैं। खुशी की अभिव्यक्ति सार्वभौमिक है और आसानी से पहचाना जा सकता है। इन अभिव्यक्तियों का प्रतिपादन खुशी, सुख, आनंद, संतोष एवं मैत्री के रूप में होता है। मुस्कान खुशी की एक अभिव्यक्ति है, जिसे हम अपने होठों की लकीरों को फैलाकर और गालों को उभार कर प्रकट करते हैं। जब हम असली खुशी को अभिव्यक्त करते हैं, तब हम अपनी आंखें लगभग मूंद लेते हैं और गालों को फुलाकर खिलखिला के हंसते हैं। यही परम आनंद का प्रतीक है। उदाहरण स्वरूप, कैमरे के सामने किसी मॉडल की हंसी में जहां भावावेग की कमी महसूस होती है, वहीं उसकी अभिव्यक्ति भी बड़ी कृत्रिम होती है। शोक या दुख के अभिव्यक्ति को खुशी की अभिव्यक्ति के विपरीत माना जा सकता है, लेकिन सिर्फ इतना ही कह देना काफी नहीं है। शोक का अभिव्यक्ति दर्द, क्षति, वियोग और असहायता को व्यक्त करते हैं। दुनिया की ज्यादातर संस्कृतियों में पुरुष व स्त्री के शोक अभिव्यक्त करने के तरीकों को अलग माना गया है। पुरुष कठोरता का प्रतीक होता है, इसलिए किसी सार्वजनिक क्षेत्र पर दुख से टूट नहीं पड़ता। वहीं स्त्री कोमलता का प्रतीक होने के कारण अनायास दुख से रो पड़ती है। एक पीड़ित चेहरे का लक्षण किसी की संकीर्ण आंखें, भींगी पलकें, खींची गालें एवं सिकुड़ी भौंहें, जो कपाल के बीचों बीच खींची होती हैं और फूले हुए मुंह से पता चलता है। उसके होंठ भी नीचे की तरफ झुके होते हैं। वर्तमान आधुनिक समाज व्यवस्था में क्रोध का अभिव्यक्ति तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि दैनिक कार्यों के दबाव एवं नैराश्य आज की जिंदगी में आम बात है और इनसे ही क्रोध जन्म लेता है। अगर आदमी की व्यक्तिगत सुरक्षा में वृद्धि हो, तो प्रतिशोध की भावना में कमी अपने आप आने लगती है। क्रोध प्राथमिक तौर पर एक दूसरे के प्रति आक्रोश का परिचय देता है। इसकी अभिव्यक्ति का कारण हम दुश्मनी एवं अंतर्निहित आक्रमण में पाते हैं। आज के जमाने में भी कई संस्कृति में स्त्री को गुस्सा प्रकट करने का अधिकार नहीं है। इसी कारण क्रोध की अभिव्यक्ति में हम पुरुष व स्त्री में एक अनिवार्य फर्क पाते हैं। हालांकि अधिकतर मामलों में क्रोध हिंसा और नाश के संदर्भ में देखा जाता है, लेकिन इसके वियोग में क्या मनुष्य वैसा पराक्रमी कदम उठा पाता जिससे समाज को साम्यता से गठित किया जा सका है। क्रोध ही एक ऐसी प्रवृत्ति है जो शोषण एवं अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकता है। जिस समाज में व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, वहां भय का अभिव्यक्ति नहीं के बराबर होता है, क्योंकि वहां पर डर का प्रमुख कारण, जो कि आपसी संघर्ष और अंतर्निहित खतरे हैं, मौजूद नहीं होते। भय उपस्थित खतरा
आसपास के आतंक, हिंसा या शारीरिक क्षति की आशंका से अभिव्यक्त होता है। इनके अलावा भी अन्य कई माध्यम के द्वारा समाज को भयभीत किया जा सकता है। मानवीय शरीर में घृणा की अभिव्यक्ति अनिवार्य रूप में दिखती है। यह ज्यादातर उन चीजों के प्रति प्रकट किया जाता है जो गंदा हो, जैसे सड़ा हुआ मांस या मछली, मलमूत्र, खाने पर मक्खी का बैठना या सड़ा हुआ खाना जिससे दुर्गंध निकल रही हो। घृणा के अभिव्यक्ति में आदमी का चेहरा बड़ा ही विकृत हो जाता है। वह अपनी नाक सिकुड़ लेता है, होंठ को तनावग्रस्त बना देता है एवं होंठ के ऊपरी हिस्से को ऊपर की ओर खींचता है। हमारे चेहरे का भाव, जैसे होंठों को दबाना और भौंह को टेढ़ा करना, क्रोध व्यक्त करना है, जबकि हमारे मुंह का सिकुड़ा होना और ऊपरी पलकों के तनाव घृणा की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। और जब हम अपने सर को दाएं और बाएं की दिशाओं में लगातार घुमाते हैं तो यह भाव प्रकट होता है कि हम कुछ टालना या अस्वीकार करना चाहते हैं। विस्मय का भाव बहुत ही फुर्तीला होता है, जिसे हम काफी मुश्किल से उस वक्त समझ पाते हैं। ये भावनाएं हम तभी व्यक्त करते हैं जब हम किसी चीज का पूर्वाभास नहीं कर पाते हैं। विस्मय का प्रकाश अचानक घटने वाले हालातों से सामने आता है जिनकी हमें उम्मीद नहीं होती। विस्मित होना अपने आप में एक अभिव्यक्ति है। यह स्वाभाविक रूप में किसी वस्तु के दर्शन से आदमी की आंखों में झलकता है, लेकिन सिर्फ इतना ही कह देने से इस अभिव्यक्ति का अंत नहीं होता। आश्चर्य प्रकट करने को आगे चलकर खुशी या भय से जोड़ा गया है। उदाहरण स्वरूप, हम सबसे ज्यादा चकित तब होते हैं जब अचानक कोई व्यक्ति जिसके आने का कोई पैगाम नहीं मिला था सामने आ खड़ा होता है। यहां पर आश्चर्य होना खुशी में बदल जाता है, यदि उस व्यक्ति के साथ मैत्री का संबंध हो। लेकिन अगर वह कोई अनजान व्यक्ति होता है तब डर का कारण भी बन जाता है। संवेग या आवेग पृथक विभागों से निर्मित एक जटिल प्रक्रिया है। उदाहरण स्वरूप, अपने करीबी रिश्तेदार की मृत्यु पर हम शोकाकुल हो जाते हैं तथा विसन्नता, नैराश्य और अपराध बोध महसूस करते हैं। इस दुनियादारी की भागदौड़ में मनुष्य के लिए ऐसे भावावेगों को समेट कर चलना तथा सामाजिक बने रहना आसान काम नहीं है, लेकिन हमें ऐसा करना पड़ता है। चेहरे के सूक्ष्म रचनाओं से वृहत मनोभाव एवं अभिव्यक्तियों का पता चल जाता है। मनुष्य के चेहरे का बहुरूपी भावों एवं मनोवृत्तियों को समझना एक प्रकार की कला है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन बातों का कोई ठोस आधार नहीं है, लेकिन आधुनिक समाज में भी इन भावावेगों का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये क्षति, खतरे, सुख, पीड़ा, लाभ एवं चुनौतियों की सच्चाई के प्रतीक। आवेग बिना जीवन कल्पना से परे है, जहां न तो प्यार है, न ईर्ष्या, न हिंसा और न ही वह तीव्र भावावेश जो हमारी उत्थान या पतन का कारण बन सके। संवेग या आवेग जीवन का एक अभिन्न अंग है, जो स्वाभाविक रूप से हमारी मुखाकृति में झलकती है। हम सभी जानते हैं कि मुख मन का दर्पण है। अभिव्यक्ति से हमें मनुष्य के मन की भावनाएं एवं चारित्र का पता चल जाता है। मुखाकृतियों से अंतर्निहित संवेगों का पता चल जाता है।
ये अपनी नेत्रीय गतिविधियों में परिवर्तन लाकर निर्वाक तरीके से संपर्क तय कर सकती हैं, जहां कई अभिव्यक्तियां स्वाभाविक हैं और कई मुख के मांसपेशियों को तरह तरह से हिलाकर गठन की जाती हैं। संवेगशील मुखाकृतियों को सार्वभौम भी माना गया है, फिर भी हम संवेगों को एक निर्धारित सिद्धांत में नहीं डाल सकते। कुछ व्यक्त चीजों के अस्तित्व का अभिप्राय अभिव्यक्त होता है। कई मनोवैज्ञानिक यह मानने से इनकार करते हैं कि मानव भावावेग की सहज उपस्थापनाओं का एक मूलभूत रूप है, जिसे वस्तुतः पृथक नहीं किया जा सकता है। फिर भी मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि मुखाकृतियां प्राथमिक रूप से अभिव्यक्तिशील हैं, जो मनुष्य के अंतर्निहित मनोभावों को प्रकट में लाती हैं। ये मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति के अभिप्राय को काफी उपयोगी मानते हैं। यह बात सच है कि कई मुखाकृतियां कुछ विशेष मानवीय आवेगों या संवेगों से जुड़ी हैं। गवेषणा से यह प्रमाणित हुआ है कि प्रत्येक संस्कृति में मानव ने इन्हें अपनी अभिव्यक्ति के रूपों को प्रायः एक ही तरीके से बांटा है। मानव लगभग एक ही तरह की मुखाकृति का व्यवहार एक निर्दिष्ट भावावेश को प्रकट करने के लिए करता है, यानी हम कह सकते हैं कि एक निर्दिष्ट आवेग का अभिव्यक्ति हर जगह समान होगा, चाहे वह दूसरे का नकल क्यों ना हो। मुखाकृतियों को विस्तृत रूप में 7 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, लेकिन इन 7 श्रेणियों के अलावा भी कई तरह की अभिव्यक्तियां भी मौजूद हैं, जिनका प्रयोग दार्शनिक, वैज्ञानिक, अभिनेता तथा अन्य लोग समय समय पर करते हैं। खुशी की अभिव्यक्ति सार्वभौमिक है और आसानी से पहचाना जा सकता है। इन अभिव्यक्तियों का प्रतिपादन खुशी, सुख, आनंद, संतोष एवं मैत्री के रूप में होता है। मुस्कान खुशी की एक अभिव्यक्ति है, जिसे हम अपने होठों की लकीरों को फैलाकर और गालों को उभार कर प्रकट करते हैं। जब हम असली खुशी को अभिव्यक्त करते हैं, तब हम अपनी आंखें लगभग मूंद लेते हैं और गालों को फुलाकर खिलखिला के हंसते हैं। यही परम आनंद का प्रतीक है। उदाहरण स्वरूप, कैमरे के सामने किसी मॉडल की हंसी में जहां भावावेग की कमी महसूस होती है, वहीं उसकी अभिव्यक्ति भी बड़ी कृत्रिम होती है। शोक या दुख के अभिव्यक्ति को खुशी की अभिव्यक्ति के विपरीत माना जा सकता है, लेकिन सिर्फ इतना ही कह देना काफी नहीं है। शोक का अभिव्यक्ति दर्द, क्षति, वियोग और असहायता को व्यक्त करते हैं। दुनिया की ज्यादातर संस्कृतियों में पुरुष व स्त्री के शोक अभिव्यक्त करने के तरीकों को अलग माना गया है। पुरुष कठोरता का प्रतीक होता है, इसलिए किसी सार्वजनिक क्षेत्र पर दुख से टूट नहीं पड़ता। वहीं स्त्री कोमलता का प्रतीक होने के कारण अनायास दुख से रो पड़ती है। एक पीड़ित चेहरे का लक्षण किसी की संकीर्ण आंखें,
भींगी पलकें, खींची गालें एवं सिकुड़ी भौंहें जो कपाल के बीचों बीच खींची होती हैं और फूले हुए मुंह से पता चलता है, उसके होंठ भी नीचे की तरफ झुके होते हैं। वर्तमान आधुनिक समाज व्यवस्था में क्रोध का अभिव्यक्ति तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि दैनिक कार्यों के दबाव एवं नैराश्य आज की जिंदगी में आम बात है और इनसे ही क्रोध जन्म लेता है। अगर आदमी की व्यक्तिगत सुरक्षा में वृद्धि हो तो प्रतिशोध की भावना में कमी अपने आप आने लगती है। क्रोध प्राथमिक तौर पर एक दूसरे के प्रति आक्रोश का परिचय देता है। इसकी अभिव्यक्ति का कारण हम दुश्मनी एवं अंतर्निहित आक्रमण में पाते हैं। आज के जमाने में भी कई संस्कृति में स्त्री को गुस्सा प्रकट करने का अधिकार नहीं है। इसी कारण क्रोध की अभिव्यक्ति में हम पुरुष व स्त्री में एक अनिवार्य फर्क पाते हैं। हालांकि अधिकतर मामलों में क्रोध हिंसा और नाश के संदर्भ में देखा जाता है, लेकिन इसके वियोग में क्या मनुष्य वैसा पराक्रमी कदम उठा पाता जिससे समाज को साम्यता से गठित किया जा सका है। क्रोध ही एक ऐसी प्रवृत्ति है जो शोषण एवं अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकता है। जिस समाज में व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होती है वहां भय का अभिव्यक्ति नहीं के बराबर होता है, क्योंकि वहां पर डर का प्रमुख कारण जो कि आपसी संघर्ष और अंतर्निहित खतरे हैं मौजूद नहीं होते। भय उपस्थित खतरा, आसपास के आतंक, हिंसा या शारीरिक क्षति की आशंका से अभिव्यक्त होता है। इनके अलावा भी अन्य कई माध्यम के द्वारा समाज को भयभीत किया जा सकता है। मानवीय शरीर में घृणा की अभिव्यक्ति अनिवार्य रूप में दिखती है। यह ज्यादातर उन चीजों के प्रति प्रकट किया जाता है जो गंदा हो, जैसे सड़ा हुआ मांस या मछली, मल मूत्र, खाने पर मक्खी का बैठना या सड़ा हुआ खाना जिससे दुर्गंध निकल रही हो। घृणा के अभिव्यक्ति में आदमी का चेहरा बड़ा ही विकृत हो जाता है। वह अपनी नाक सिकुड़ लेता है, होंठ को तनावग्रस्त बना देता है एवं होंठ के ऊपरी हिस्से को ऊपर की ओर खींचता है। हमारे चेहरे का भाव जैसे होंठों को दबाना और भौं को टेढ़ा करना क्रोध व्यक्त करना है, जबकि हमारे मुंह का सिकुड़ा होना और ऊपरी पलकों के तनाव घृणा की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। और जब हम अपने सर को दाएं और बाएं की दिशाओं में लगातार घुमाते हैं तो यह भाव प्रकट होता है कि हम कुछ टालना या अस्वीकार करना चाहते हैं। विस्मय का भाव बहुत ही फुर्तीला होता है, जिसे हम काफी मुश्किल से उस वक्त समझ पाते हैं। ये भावनाएं हम तभी व्यक्त करते हैं जब हम किसी चीज का पूर्वाभास नहीं कर पाते हैं। विस्मय का प्रकाश अचानक घटने वाले हालातों से सामने आता है जिनकी हमें उम्मीद नहीं होती। विस्मित होना अपने आप में एक अभिव्यक्ति है। यह स्वाभाविक रूप में किसी वस्तु के दर्शन से आदमी की आंखों में झलकता है, लेकिन सिर्फ इतना ही कह देने से इस अभिव्यक्ति का अंत नहीं होता। आश्चर्य प्रकट करने को आगे चलकर खुशी या भय से जोड़ा गया है। उदाहरण स्वरूप, हम सबसे ज्यादा चकित तब होते हैं जब अचानक कोई व्यक्ति जिसके आने का कोई पैगाम नहीं मिला था सामने आ खड़ा होता है। यहाँ पर आश्चर्य होना खुशी में बदल जाता है यदि उस व्यक्ति के साथ मैत्री का संबंध हो, लेकिन अगर वह कोई अनजान व्यक्ति होता है तब डर का कारण भी बन जाता है। संवेग या आवेग पृथक विभागों से निर्मित एक जटिल प्रक्रिया है। उदाहरण स्वरूप, अपने करीबी रिश्तेदार की मृत्यु पर हम शोकाकुल हो जाते हैं तथा विसन्नता, नैराश्य और अपराध बोध महसूस करते हैं। इस दुनियादारी की भागदौड़ में
मनुष्य के लिए ऐसे भावावेगों को समेटकर चलना तथा सामाजिक बने रहना आसान काम नहीं है, लेकिन हमें ऐसा करना पड़ता है। चेहरे के सूक्ष्म रचनाओं से वृहत मनोभाव एवं अभिव्यक्तियों का पता चल जाता है। मनुष्य के चेहरे का बहुरूपी भावों एवं मनोवृत्तियों को समझना एक प्रकार की कला है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन बातों का कोई ठोस आधार नहीं है, लेकिन आधुनिक समाज में भी इन भावावेगों का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये क्षति, खतरे, सुख, पीड़ा, लाभ एवं चुनौतियों की सच्चाई के प्रतीक। आवेग बिना जीवन कल्पना से परे है, जहां न तो प्यार है, न ईर्ष्या, न हिंसा और न ही वह तीव्र भावावेश जो हमारी उत्थान या पतन का कारण बन सके। संवेग या आवेग जीवन का एक अभिन्न अंग है, जो स्वाभाविक रूप से हमारी मुखाकृति में झलकती है। हम सभी जानते हैं कि मुख मन का दर्पण है। अभिव्यक्त से हमें मनुष्य के मन की भावनाएं एवं चरित्र का पता चल जाता है। मुखाकृतियों से अंतर्निहित संवेगों का पता चल जाता है। ये अपनी नेत्रीय गतिविधियों में परिवर्तन लाकर निर्वाक तरीके से संपर्क तय कर सकती हैं, जहां कई अभिव्यक्तियां स्वाभाविक हैं और कई मुख के मांसपेशियों को तरह तरह से हिलाकर गठन की जाती हैं। संवेगशील मुखाकृतियों को सार्वभौम भी माना गया है, फिर भी हम संवेगों को एक निर्धारित सिद्धांत में नहीं डाल सकते। कुछ व्यक्त चीजों के अस्तित्व का अभिप्राय अभिव्यक्त होता है। कई मनोवैज्ञानिक यह मानने से इनकार करते हैं कि मानव भावावेग की सहज उपस्थापनाओं का एक मूलभूत रूप है, जिसे वस्तुतः पृथक नहीं किया जा सकता है। फिर भी मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि मुखाकृतियां प्राथमिक रूप से अभिव्यक्तिशील हैं, जो मनुष्य के अंतर्निहित मनोभावों को प्रकट में लाती हैं। ये मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति के अभिप्राय को काफी उपयोगी मानते हैं। यह बात सच है कि कई मुखाकृतियां कुछ विशेष मानवीय आवेगों या संवेगों से जुड़ी हैं। गवेषणा से यह प्रमाणित हुआ है कि प्रत्येक संस्कृति में मानव ने इन्हें अपनी अभिव्यक्ति के रूपों को प्रायः एक ही तरीके से बांटा है। मानव लगभग एक ही तरह की मुखाकृति का व्यवहार एक निर्दिष्ट भावावेश को प्रकट करने के लिए करता है, यानी हम कह सकते हैं कि एक निर्दिष्ट आवेग का अभिव्यक्ति हर जगह समान होगा, चाहे वह दूसरे का नकल क्यों ना हो। मुखाकृतियों को विस्तृत रूप में 7 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, लेकिन इन 7 श्रेणियों के अलावा भी कई तरह की अभिव्यक्तियां भी मौजूद हैं, जिनका प्रयोग दार्शनिक, वैज्ञानिक, अभिनेता तथा अन्य लोग समय समय पर करते हैं। खुशी की अभिव्यक्ति सार्वभौमिक है।
और आसानी से पहचाना जा सकता है। इन अभिव्यक्तियों का प्रतिपादन खुशी, सुख, आनंद, संतोष एवं मैत्री के रूप में होता है। मुस्कान खुशी की एक अभिव्यक्ति है जिसे हम अपने होठों की लकीरों को फैलाकर और गालों को उभार कर प्रकट करते हैं। जब हम असली खुशी को अभिव्यक्त करते हैं तब हम अपनी आंखें लगभग मूंद लेते हैं और गालों को फुलाकर खिलखिला के हंसते हैं। यही परम आनंद का प्रतीक है। उदाहरण स्वरूप, कैमरे के सामने किसी मॉडल की हंसी में जहां भावावेग की कमी महसूस होती है, वहीं उसकी अभिव्यक्ति भी बड़ी कृत्रिम होती है। शोक या दुख के अभिव्यक्ति को खुशी की अभिव्यक्ति के विपरीत माना जा सकता है, लेकिन सिर्फ इतना ही कह देना काफी नहीं है। शोक का अभिव्यक्ति दर्द, क्षति, वियोग और असहायता को व्यक्त करते हैं। दुनिया की ज्यादातर संस्कृतियों में पुरुष व स्त्री के शोक अभिव्यक्त करने के तरीकों को अलग माना गया है। पुरुष कठोरता का प्रतीक होता है, इसलिए किसी सार्वजनिक क्षेत्र पर दुख से टूट नहीं पड़ता। वहीं स्त्री कोमलता का प्रतीक होने के कारण अनायास दुख से रो पड़ती है। एक पीड़ित चेहरे का लक्षण किसी की संकीर्ण आंखें, भींगी पलकें, खींची गालें एवं सिकुड़ी भौंहें जो कपाल के बीचों बीच खींची होती हैं और फूले हुए मुंह से पता चलता है। उसके होंठ भी नीचे की तरफ झुके होते हैं। वर्तमान आधुनिक समाज व्यवस्था में क्रोध का अभिव्यक्ति तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि दैनिक कार्यों के दबाव एवं नैराश्य आज की जिंदगी में आम बात है और इनसे ही क्रोध जन्म लेता है। अगर आदमी की व्यक्तिगत सुरक्षा में वृद्धि हो तो प्रतिशोध की भावना में कमी अपने आप आने लगती है। क्रोध प्राथमिक तौर पर एक दूसरे के प्रति आक्रोश का परिचय देता है। इसकी अभिव्यक्ति का कारण हम दुश्मनी एवं अंतर्निहित आक्रमण में पाते हैं। आज के जमाने में भी कई संस्कृति में स्त्री को गुस्सा प्रकट करने का अधिकार नहीं है। इसी कारण क्रोध की अभिव्यक्ति में हम पुरुष व स्त्री में एक अनिवार्य फर्क पाते हैं। हालांकि अधिकतर मामलों में क्रोध हिंसा और नाश के संदर्भ में देखा जाता है, लेकिन इसके वियोग में क्या मनुष्य वैसा पराक्रमी कदम उठा पाता जिससे समाज को साम्यता से गठित किया जा सका है? क्रोध ही एक ऐसी प्रवृत्ति है जो शोषण एवं अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकता है। जिस समाज में व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होती है वहां भय का अभिव्यक्ति नहीं के बराबर होता है, क्योंकि वहां पर डर का प्रमुख कारण जो कि आपसी संघर्ष और अंतर्निहित खतरे हैं मौजूद नहीं होते। भय, उपस्थित खतरा, आसपास के आतंक, हिंसा या शारीरिक क्षति की आशंका से अभिव्यक्त होता है। इनके अलावा भी अन्य कई माध्यम के द्वारा समाज को भयभीत किया जा सकता है। मानवीय शरीर में घृणा की अभिव्यक्ति अनिवार्य रूप में दिखती है। यह ज्यादातर उन चीजों के प्रति प्रकट किया जाता है जो गंदा हो, जैसे सड़ा हुआ मांस या मछली, मलमूत्र, खाने पर मक्खी का बैठना या सड़ा हुआ खाना जिससे दुर्गंध निकल रही हो। घृणा के अभिव्यक्ति में आदमी का चेहरा बड़ा ही विकृत हो जाता है। वह अपनी नाक सिकुड़ लेता है,
होंठ को तनावग्रस्त बना देता है एवं होंठ के ऊपरी हिस्से को ऊपर की ओर खींचता है। हमारे चेहरे का भाव जैसे होंठों को दबाना और भौं को टेढ़ा करना क्रोध व्यक्त करना है, जबकि हमारे मुंह का सिकुड़ा होना और ऊपरी पलकों के तनाव घृणा की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। और जब हम अपने सर को दाएं और बाएं की दिशाओं में लगातार घुमाते हैं तो यह भाव प्रकट होता है कि हम कुछ टालना या अस्वीकार करना चाहते हैं। विस्मय का भाव बहुत ही फुर्तीला होता है, जिसे हम काफी मुश्किल से उस वक्त समझ पाते हैं। ये भावनाएं हम तभी व्यक्त करते हैं जब हम किसी चीज का पूर्वाभास नहीं कर पाते हैं। विस्मय का प्रकाश अचानक घटने वाले हालातों से सामने आता है जिनकी हमें उम्मीद नहीं होती। विस्मित होना अपने आप में एक अभिव्यक्ति है। यह स्वाभाविक रूप में किसी वस्तु के दर्शन से आदमी की आंखों में झलकता है, लेकिन सिर्फ इतना ही कह देने से इस अभिव्यक्ति का अंत नहीं होता। आश्चर्य प्रकट करने को आगे चलकर खुशी या भय से जोड़ा गया है। उदाहरण स्वरूप, हम सबसे ज्यादा चकित तब होते हैं जब अचानक कोई व्यक्ति जिसके आने का कोई पैगाम नहीं मिला था सामने आ खड़ा होता है। यहां पर आश्चर्य होना खुशी में बदल जाता है यदि उस व्यक्ति के साथ मैत्री का संबंध हो, लेकिन अगर वह कोई अनजान व्यक्ति होता है तब डर का कारण भी बन जाता है। संवेग या आवेग पृथक विभागों से निर्मित एक जटिल प्रक्रिया है। उदाहरण स्वरूप, अपने करीबी रिश्तेदार की मृत्यु पर हम शोकाकुल हो जाते हैं तथा विसन्नता, नैराश्य और अपराध बोध महसूस करते हैं। इस दुनियादारी की भागदौड़ में मनुष्य के लिए ऐसे भावावेगों को समेट कर चलना तथा सामाजिक बने रहना आसान काम नहीं है, लेकिन हमें ऐसा करना पड़ता है। चेहरे के सूक्ष्म रचनाओं से वृहत मनोभाव एवं अभिव्यक्तियों का पता चल जाता है। मनुष्य के चेहरे का बहुरूपी भावों एवं मनोवृत्तियों को समझना एक प्रकार की कला है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन बातों का कोई ठोस आधार नहीं है, लेकिन आधुनिक समाज में भी इन भावावेगों का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये क्षति, खतरे, सुख, पीड़ा, लाभ एवं चुनौतियों की सच्चाई के प्रतीक। आवेग बिना जीवन कल्पना से परे है, जहां न तो प्यार है, न ईर्ष्या, न हिंसा और न ही वह तीव्र भावावेश जो हमारी उत्थान या पतन का कारण बन सके। संवेग या आवेग जीवन का एक अभिन्न अंग है जो स्वाभाविक रूप से हमारी मुखाकृति में झलकती है। हम सभी जानते हैं कि मुख मन का दर्पण है। अभिव्यक्त से हमें मनुष्य के मन की भावनाएं एवं चारित्र का पता चल जाता है। मुखाकृतियों से अंतर्निहित संवेगों का पता चल जाता है। ये अपनी नेत्रीय गतिविधियों में परिवर्तन लाकर निर्वाक तरीके से संपर्क तय कर सकती हैं, जहां कई अभिव्यक्तियां स्वाभाविक हैं और कई मुख के मांसपेशियों को तरह तरह से हिलाकर गठन की जाती हैं। संवेगशील मुखाकृतियों को सार्वभौम भी माना गया है, फिर भी हम संवेगों को एक निर्धारित सिद्धांत में नहीं डाल सकते।
कुछ व्यक्त चीजों के अस्तित्व का अभिप्राय अभिव्यक्त होता है। कई मनोवैज्ञानिक यह मानने से इनकार करते हैं कि मानव भावावेग की सहज उपस्थापनाओं का एक मूलभूत रूप है, जिसे वस्तुतः पृथक नहीं किया जा सकता है। फिर भी मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि मुखाकृतियां प्राथमिक रूप से अभिव्यक्तिशील हैं, जो मनुष्य के अंतर्निहित मनोभावों को प्रकट में लाती हैं। ये मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति के अभिप्राय को काफी उपयोगी मानते हैं। यह बात सच है कि कई मुखाकृतियां कुछ विशेष मानवीय आवेगों या संवेगों से जुड़ी हैं। गवेषणा से यह प्रमाणित हुआ है कि प्रत्येक संस्कृति में मानव ने इन्हें अपनी अभिव्यक्ति के रूपों को प्रायः एक ही तरीके से बांटा है। मानव लगभग एक ही तरह की मुखाकृति का व्यवहार एक निर्दिष्ट भावावेश को प्रकट करने के लिए करता है, यानी हम कह सकते हैं कि एक निर्दिष्ट आवेग का अभिव्यक्ति हर जगह समान होगा, चाहे वह दूसरे का नकल क्यों ना हो। मुखाकृतियों को विस्तृत रूप में 7 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, लेकिन इन 7 श्रेणियों के अलावा भी कई तरह की अभिव्यक्तियां भी मौजूद हैं, जिनका प्रयोग दार्शनिक, वैज्ञानिक, अभिनेता तथा अन्य लोग समय समय पर करते हैं। खुशी की अभिव्यक्ति सार्वभौमिक है और आसानी से पहचाना जा सकता है। इन अभिव्यक्तियों का प्रतिपादन खुशी, सुख, आनंद, संतोष एवं मैत्री के रूप में होता है। मुस्कान खुशी की एक अभिव्यक्ति है, जिसे हम अपने होठों की लकीरों को फैलाकर और गालों को उभार कर प्रकट करते हैं। जब हम असली खुशी को अभिव्यक्त करते हैं, तब हम अपनी आंखें लगभग मूंद लेते हैं और गालों को फुलाकर खिलखिला के हंसते हैं। यही परम आनंद का प्रतीक है। उदाहरण स्वरूप, कैमरे के सामने किसी मॉडल की हंसी में जहां भावावेग की कमी महसूस होती है, वहीं उसकी अभिव्यक्ति भी बड़ी कृत्रिम होती है। शोक या दुख के अभिव्यक्ति को खुशी की अभिव्यक्ति के विपरीत माना जा सकता है, लेकिन सिर्फ इतना ही कह देना काफी नहीं है। शोक का अभिव्यक्ति दर्द, क्षति, वियोग और असहायता को व्यक्त करते हैं। दुनिया की ज्यादातर संस्कृतियों में पुरुष व स्त्री के शोक अभिव्यक्त करने के तरीकों को अलग माना गया है। पुरुष कठोरता का प्रतीक होता है, इसलिए किसी सार्वजनिक क्षेत्र पर दुख से टूट नहीं पड़ता। वहीं स्त्री कोमलता का प्रतीक होने के कारण अनायास दुख से रो पड़ती है। एक पीड़ित चेहरे का लक्षण किसी की संकीर्ण आंखें, भींगी पलकें, खींची गालें एवं सिकुड़ी भौंहें, जो कपाल के बीचों बीच खींची होती हैं और फूले हुए मुंह से पता चलता है। उसके होंठ भी नीचे की तरफ झुके होते हैं। वर्तमान आधुनिक समाज व्यवस्था में क्रोध का अभिव्यक्ति तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि दैनिक कार्यों के दबाव एवं नैराश्य आज की जिंदगी में आम बात है और इनसे ही क्रोध जन्म लेता है। अगर आदमी की व्यक्तिगत सुरक्षा में वृद्धि हो तो प्रतिशोध की भावना में कमी अपने आप आने लगती है। क्रोध प्राथमिक तौर पर एक दूसरे के प्रति आक्रोश का परिचय देता है। इसकी अभिव्यक्ति का कारण हम दुश्मनी
एवं अंतर्निहित आक्रमण में पाते हैं। आज के जमाने में भी कई संस्कृति में स्त्री को गुस्सा प्रकट करने का अधिकार नहीं है। इसी कारण क्रोध की अभिव्यक्ति में हम पुरुष व स्त्री में एक अनिवार्य फर्क पाते हैं। हालांकि अधिकतर मामलों में क्रोध हिंसा और नाश के संदर्भ में देखा जाता है, लेकिन इसके वियोग में क्या मनुष्य वैसा पराक्रमी कदम उठा पाता जिससे समाज को साम्यता से गठित किया जा सका है। क्रोध ही एक ऐसी प्रवृत्ति है जो शोषण एवं अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकता है। जिस समाज में व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, वहां भय का अभिव्यक्ति नहीं के बराबर होता है, क्योंकि वहां पर डर का प्रमुख कारण, जो कि आपसी संघर्ष और अंतर्निहित खतरे हैं, मौजूद नहीं होते। भय, उपस्थित खतरा, आसपास के आतंक, हिंसा या शारीरिक क्षति की आशंका से अभिव्यक्त होता है। इनके अलावा भी अन्य कई माध्यम के द्वारा समाज को भयभीत किया जा सकता है। मानवीय शरीर में घृणा की अभिव्यक्ति अनिवार्य रूप में दिखती है। यह ज्यादातर उन चीजों के प्रति प्रकट किया जाता है जो गंदा हो, जैसे सड़ा हुआ मांस या मछली, मल मूत्र, खाने पर मक्खी का बैठना या सड़ा हुआ खाना जिससे दुर्गंध निकल रही हो। घृणा के अभिव्यक्ति में आदमी का चेहरा बड़ा ही विकृत हो जाता है। वह अपनी नाक सिकुड़ लेता है, होंठ को तनावग्रस्त बना देता है एवं होंठ के ऊपरी हिस्से को ऊपर की ओर खींचता है। हमारे चेहरे का भाव, जैसे होंठों को दबाना और भौं को टेढ़ा करना, क्रोध व्यक्त करना है, जबकि हमारे मुंह का सिकुड़ा होना और ऊपरी पलकों के तनाव घृणा की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। और जब हम अपने सर को दाएं और बाएं की दिशाओं में लगातार घुमाते हैं, तो यह भाव प्रकट होता है कि हम कुछ टालना या अस्वीकार करना चाहते हैं। विस्मय का भाव बहुत ही फुर्तीला होता है, जिसे हम काफी मुश्किल से उस वक्त समझ पाते हैं। ये भावनाएं हम तभी व्यक्त करते हैं जब हम किसी चीज का पूर्वाभास नहीं कर पाते हैं। विस्मय का प्रकाश अचानक घटने वाले हालातों से सामने आता है जिनकी हमें उम्मीद नहीं होती। विस्मित होना अपने आप में एक अभिव्यक्ति है। यह स्वाभाविक रूप में किसी वस्तु के दर्शन से आदमी की आंखों में झलकता है, लेकिन सिर्फ इतना ही कह देने से इस अभिव्यक्ति का अंत नहीं होता। आश्चर्य प्रकट करने को आगे चलकर खुशी या भय से जोड़ा गया है। उदाहरण स्वरूप, हम सबसे ज्यादा चकित तब होते हैं जब अचानक कोई व्यक्ति जिसके आने का कोई पैगाम नहीं मिला था सामने आ खड़ा होता है। यहां पर आश्चर्य होना खुशी में बदल जाता है, यदि उस व्यक्ति के साथ मैत्री का संबंध हो। लेकिन अगर वह कोई अनजान व्यक्ति होता है, तब डर का कारण भी बन जाता है। संवेग या आवेग पृथक विभागों से निर्मित एक जटिल प्रक्रिया है। उदाहरण स्वरूप, अपने करीबी रिश्तेदार की मृत्यु पर हम शोकाकुल हो जाते हैं तथा विसन्नता, नैराश्य और अपराध बोध महसूस करते हैं। इस दुनियादारी की भागदौड़ में मनुष्य के लिए ऐसे भावावेगों को समेट कर चलना तथा सामाजिक बने रहना आसान काम नहीं है, लेकिन हमें ऐसा करना पड़ता है। चेहरे के सूक्ष्म रचनाओं से वृहत मनोभाव एवं अभिव्यक्तियों का पता चल जाता है। मनुष्य के चेहरे का बहुरूपी भावों एवं मनोवृत्तियों को समझना एक प्रकार की कला है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन बातों का कोई ठोस आधार नहीं है, लेकिन आधुनिक समाज में भी इन भावावेगों का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये क्षति, खतरे, सुख, पीड़ा, लाभ एवं चुनौतियों की सच्चाई के प्रतीक।
आवेग बिना जीवन कल्पना से परे है, जहां न तो प्यार है, न ईर्ष्या, न हिंसा और न ही वह तीव्र भावावेश जो हमारी उत्थान या पतन का कारण बन सके। संवेग या आवेग जीवन का एक अभिन्न अंग है, जो स्वाभाविक रूप से हमारी मुखाकृति में झलकती है। हम सभी जानते हैं कि मुख मन का दर्पण है। अभिव्यक्त से हमें मनुष्य के मन की भावनाएं एवं चारित्र का पता चल जाता है। मुखाकृतियों से अंतर्निहित संवेगों का पता चल जाता है। ये अपनी नेत्रीय गतिविधियों में परिवर्तन लाकर निर्वाक तरीके से संपर्क तय कर सकती हैं, जहां कई अभिव्यक्तियां स्वाभाविक हैं और कई मुख के मांसपेशियों को तरह तरह से हिलाकर गठन की जाती हैं। संवेगशील मुखाकृतियों को सार्वभौम भी माना गया है, फिर भी हम संवेगों को एक निर्धारित सिद्धांत में नहीं डाल सकते। कुछ व्यक्त चीजों के अस्तित्व का अभिप्राय अभिव्यक्त होता है। कई मनोवैज्ञानिक यह मानने से इनकार करते हैं कि मानव भावावेग की सहज उपस्थापनाओं का एक मूलभूत रूप है, जिसे वस्तुतः पृथक नहीं किया जा सकता है। फिर भी मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि मुखाकृतियां प्राथमिक रूप से अभिव्यक्तिशील हैं, जो मनुष्य के अंतर्निहित मनोभावों को प्रकट में लाती हैं। ये मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति के अभिप्राय को काफी उपयोगी मानते हैं। यह बात सच है कि कई मुखाकृतियां कुछ विशेष मानवीय आवेगों या संवेगों से जुड़ी हैं। गवेषणा से यह प्रमाणित हुआ है कि प्रत्येक संस्कृति में मानव ने इन्हें अपनी अभिव्यक्ति के रूपों को प्रायः एक ही तरीके से बांटा है। मानव लगभग एक ही तरह की मुखाकृति का व्यवहार एक निर्दिष्ट भावावेश को प्रकट करने के लिए करता है, यानी हम कह सकते हैं कि एक निर्दिष्ट आवेग का अभिव्यक्ति हर जगह समान होगा, चाहे वह दूसरे का नकल क्यों ना हो। मुखाकृतियों को विस्तृत रूप में 7 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, लेकिन इन 7 श्रेणियों के अलावा भी कई तरह की अभिव्यक्तियां भी मौजूद हैं, जिनका प्रयोग दार्शनिक, वैज्ञानिक, अभिनेता तथा अन्य लोग समय समय पर करते हैं। खुशी की अभिव्यक्ति सार्वभौमिक है और आसानी से पहचाना जा सकता है। इन अभिव्यक्तियों का प्रतिपादन खुशी, सुख, आनंद, संतोष एवं मैत्री के रूप में होता है। मुस्कान खुशी की एक अभिव्यक्ति है, जिसे हम अपने होठों की लकीरों को फैलाकर और गालों को उभार कर प्रकट करते हैं। जब हम असली खुशी को अभिव्यक्त करते हैं, तब हम अपनी आंखें लगभग मूंद लेते हैं और गालों को फुलाकर खिलखिला के हंसते हैं। यही परम आनंद का प्रतीक है। उदाहरण स्वरूप, कैमरे के सामने किसी मॉडल की हंसी में जहां भावावेग की कमी महसूस होती है, वहीं उसकी अभिव्यक्ति भी बड़ी कृत्रिम होती है।
शोक या दुख के अभिव्यक्ति को खुशी की अभिव्यक्ति के विपरीत माना जा सकता है, लेकिन सिर्फ इतना ही कह देना काफी नहीं है। शोक का अभिव्यक्ति दर्द, क्षति, वियोग और असहायता को व्यक्त करते हैं। दुनिया की ज्यादातर संस्कृतियों में पुरुष व स्त्री के शोक अभिव्यक्त करने के तरीकों को अलग माना गया है। पुरुष कठोरता का प्रतीक होता है, इसलिए किसी सार्वजनिक क्षेत्र पर दुख से टूट नहीं पड़ता। वहीं स्त्री कोमलता का प्रतीक होने के कारण अनायास दुख से रो पड़ती है। एक पीड़ित चेहरे का लक्षण किसी की संकीर्ण आंखें, भींगी पलकें, खींची गालें एवं सिकुड़ी भौंहें जो कपाल के बीचों बीच खींची होती हैं और फूले हुए मुंह से पता चलता है। उसके होंठ भी नीचे की तरफ झुके होते हैं। वर्तमान आधुनिक समाज व्यवस्था में क्रोध का अभिव्यक्ति तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि दैनिक कार्यों के दबाव एवं नैराश्य आज की जिंदगी में आम बात है और इनसे ही क्रोध जन्म लेता है। अगर आदमी की व्यक्तिगत सुरक्षा में वृद्धि हो तो प्रतिशोध की भावना में कमी अपने आप आने लगती है। क्रोध प्राथमिक तौर पर एक दूसरे के प्रति आक्रोश का परिचय देता है। इसकी अभिव्यक्ति का कारण हम दुश्मनी एवं अंतर्निहित आक्रमण में पाते हैं। आज के जमाने में भी कई संस्कृति में स्त्री को गुस्सा प्रकट करने का अधिकार नहीं है। इसी कारण क्रोध की अभिव्यक्ति में हम पुरुष व स्त्री में एक अनिवार्य फर्क पाते हैं। हालांकि अधिकतर मामलों में क्रोध हिंसा और नाश के संदर्भ में देखा जाता है, लेकिन इसके वियोग में क्या मनुष्य वैसा पराक्रमी कदम उठा पाता जिससे समाज को साम्यता से गठित किया जा सका है? क्रोध ही एक ऐसी प्रवृत्ति है जो शोषण एवं अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकता है। जिस समाज में व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होती है वहां भय का अभिव्यक्ति नहीं के बराबर होता है, क्योंकि वहां पर डर का प्रमुख कारण जो कि आपसी संघर्ष और अंतर्निहित खतरे हैं मौजूद नहीं होते। भय, उपस्थित खतरा, आसपास के आतंक, हिंसा या शारीरिक क्षति की आशंका से अभिव्यक्त होता है। इनके अलावा भी अन्य कई माध्यम के द्वारा समाज को भयभीत किया जा सकता है। मानवीय शरीर में घृणा की अभिव्यक्ति अनिवार्य रूप में दिखती है। यह ज्यादातर उन चीजों के प्रति प्रकट किया जाता है जो गंदा हो, जैसे सड़ा हुआ मांस या मछली, मल मूत्र, खाने पर मक्खी का बैठना या सड़ा हुआ खाना जिससे दुर्गंध निकल रही हो। घृणा के अभिव्यक्ति में आदमी का चेहरा बड़ा ही विकृत हो जाता है। वह अपनी नाक सिकुड़ लेता है, होंठ को तनावग्रस्त बना देता है एवं होंठ के ऊपरी हिस्से को ऊपर की ओर खींचता है। हमारे चेहरे का भाव, जैसे होंठों को दबाना और भौं को टेढ़ा करना, क्रोध व्यक्त करना है, जबकि हमारे मुंह का सिकुड़ा होना और ऊपरी पलकों के तनाव घृणा की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। और जब हम अपने सर को दाएं और बाएं की दिशाओं में लगातार घुमाते हैं तो यह भाव प्रकट होता है कि हम कुछ टालना या अस्वीकार करना चाहते हैं। विस्मय का भाव बहुत ही फुर्तीला होता है, जिसे हम काफी मुश्किल से उस वक्त समझ पाते हैं। ये भावनाएं हम तभी व्यक्त करते हैं जब हम किसी चीज का पूर्वाभास नहीं कर पाते हैं। विस्मय का प्रकाश अचानक घटने वाले हालातों से सामने आता है जिनकी हमें उम्मीद नहीं होती। विस्मित होना अपने आप में एक अभिव्यक्ति है। यह स्वाभाविक रूप में किसी वस्तु के दर्शन से आदमी की आंखों में झलकता है, लेकिन सिर्फ इतना ही कह देने से इस अभिव्यक्ति का अंत नहीं होता। आश्चर्य प्रकट करने को आगे चलकर
खुशी या भय से जोड़ा गया है। उदाहरण स्वरूप, हम सबसे ज्यादा चकित तब होते हैं जब अचानक कोई व्यक्ति जिसके आने का कोई पैगाम नहीं मिला था सामने आ खड़ा होता है। यहां पर आश्चर्य होना खुशी में बदल जाता है यदि उस व्यक्ति के साथ मैत्री का संबंध हो, लेकिन अगर वह कोई अनजान व्यक्ति होता है तब डर का कारण भी बन जाता है। संवेग या आवेग पृथक विभागों से निर्मित एक जटिल प्रक्रिया है। उदाहरण स्वरूप, अपने करीबी रिश्तेदार की मृत्यु पर हम शोकाकुल हो जाते हैं तथा विसन्नता, नैराश्य और अपराध बोध महसूस करते हैं। इस दुनियादारी की भागदौड़ में मनुष्य के लिए ऐसे भावावेगों को समेट कर चलना तथा सामाजिक बने रहना आसान काम नहीं है, लेकिन हमें ऐसा करना पड़ता है। चेहरे के सूक्ष्म रचनाओं से वृहत मनोभाव एवं अभिव्यक्तियों का पता चल जाता है। मनुष्य के चेहरे का बहुरूपी भावों एवं मनोवृत्तियों को समझना एक प्रकार की कला है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन बातों का कोई ठोस आधार नहीं है, लेकिन आधुनिक समाज में भी इन भावावेगों का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये क्षति, खतरे, सुख, पीड़ा, लाभ एवं चुनौतियों की सच्चाई के प्रतीक है।